तो यहाँ पर अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट करता है क्वाड्रेटिक का, जिसमें अपन क्या करेंगे कि इसमें अपन रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम देखेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। और इसका जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2 का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना उसको और प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करता है डिस्कशन ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, जो कि सेकेंड पार्ट होगा क्वाड्रेटिक का। तो स्टार्ट करता है फिर, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज लेता है तो रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे देखता है। ये क्या बोलती है, तो अपने पास एक एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसको यदि अपन एक्स माइनस के एक लीनियर फंक्शन है उससे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा वो एफ ऑफ के बचेगा। कैसे, जैसे मान लो किसी भी डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है, अपने पास डिविडेंड होता है और एक होता है अपने पास डिवाइजर। यानी जैसे अपन 24 को 4 से मतलब 3 से डिवाइड करते हैं मान लो, तो ये तो अपना डिविडेंड हो गया और ये अपना डिवाइजर होता है। फिर यहाँ पे आता है क्वोशेंट और उसके बाद आता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 8 बार 8 टाइम्स 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब 24 आता है। यहाँ पे जैसे इस प्रॉब्लम में 24, ये 3, ये 8 और रिमाइंडर 0। तो वैसे ही किसी भी अपन जनरल डिवीजन प्रोसेस के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो वैसे ही जब अपने पास क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, उसको जब अपन एक्स माइनस के से डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास कुछ क्वेश्चन आएगा प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं, जो उसका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ के बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे x की जगह k पुट कर देता है, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी प्लस r बचेगा, r जो कि रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ k। तो मतलब कभी भी किसी पॉलिनोमियल को x माइनस k लीनियर फंक्शन से डिवाइड करने पर जो उसका रिमाइंडर आएगा वो f ऑफ k आएगा। तो ये अपन ने एक थ्योरम देख ली, फिर आगे देखता है। यहाँ पर एक और चीज है, जब भी आप n डिग्री का आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको आपने किसी n डिग्री का कोई दूसरा जो पॉलिनोमियल दे रखा है उससे डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर बचेगा, मैक्सिमम जो डिग्री होगी रिमाइंडर की, रिमाइंडर भी अपने पास एक पॉलिनोमियल टाइप का आ सकता है, जो मैक्सिमम डिग्री होगी रिमाइंडर की वो कितनी होगी, m माइनस 1। यानी जो इसकी डिग्री होगी जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे कम डिग्री का अपने पास रिमाइंडर आएगा, ये ध्यान रखना है। ये उस रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री है, इस m माइनस 1 से भी कम हो सकती है, उसका कोई नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है रिमाइंडर की वो m माइनस 1 होगी, यानी जिस चीज से अपन डिवाइड कर रहे हैं उससे एक डिग्री कम का आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम रिमाइंडर की डिग्री इतनी हो सकती है, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इस पे मैं प्रॉब्लम लूंगा तो समझ में आएगा। तो अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अपन को फाइंड करना है रिमाइंडर जब एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 को x माइनस 1 से डिवाइड करता है। तो डिवाइड किया तो मैंने बताया था रिमाइंडर एफ ऑफ के बचेगा। तो यहाँ पर ये अपने पास जो एक्सप्रेशन है इसको अपन x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर पूछा तो एफ ऑफ 1, तो इस एक्सप्रेशन में x की जगह 1 डाल देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा ये 4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है। तो यहाँ पर है कि जब भी अपने पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है 4 डिग्री का, ये यहाँ पर अपन को अभी ए और बी की वैल्यू पता नहीं है, तो अपन को मान लेता है कि ये अपन को पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अपन ने जब इसको इस चीज से डिवाइड किया तो अपने पास जो रिमाइंडर आया वो ये आया, तो अपन को ए और बी की वैल्यू पता लगानी है। यहाँ से कितना अपन को ये एक्सप्रेशन दे रखी है उसको अपन को इससे डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर ये आ रहा है, तो अपन को ए और बी की वैल्यू पता लगानी है। तो मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर है जिससे डिवाइड करो उससे कम होगी, एक तो कम होगी मैक्सिमम, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 1 ही है मैक्सिमम यहाँ पे, मतलब वो रूल भी सही अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो अपने पास दे रखा है ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिससे डिवाइड किया है मल्टीप्लाई बाय अपना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकता है। अब ये जो
यहाँ पे ये ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू स्क्वायर से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू, एक्स एक्स प्लस टू माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, इसके दो फैक्टर हो गए। नेक्स्ट पेज पे चलता है, तो अपने पास थी जो एक्सप्रेशन थी वो थी ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे जो फैक्टर हो गए थे वो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू हो गए थे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन था प्लस फोर एक्स प्लस थ्री था रिमाइंडर। अब अपन को ए और बी की वैल्यू पता लगानी, तो एक्स इज इक्वल टू वन इसमें पुट करता है, तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री आएगा और यहाँ से ये आएगी सेवन। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे तो उधर आएगा सिक्सटीन ए माइनस ऑफ एट बी एंड माइनस फोर प्लस थ्री, और इधर ये भी जीरो हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा माइनस एट प्लस थ्री। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी अपने पास, ये इधर बचा टू, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी अपने पास ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो है ये कैंसिल हो गया, ये थ्री थ्री गया, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो टू ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, बी की जगह टू ए पुट कर देता है तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी और बी की वैल्यू टू आ जाएगी, तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे मतलब रिमाइंडर थ्योरम के कुछ एग्जांपल देखे, तो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे, फिर आगे की चीज पढ़ेंगे। तो चलते हैं फिर आगे, तो यहाँ पे अपने पास थर्ड प्रॉब्लम ये दे रखी है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन टू है, जब उसको एक्स प्लस ए से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर ए आता है, जब एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर माइनस ए आता है, और ये पूछा है जब पी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने बताया था जब भी, तो इसका सॉल्यूशन देखते, तो मैंने बताया था जब भी पी ऑफ एक्स को इस लीनियर फंक्शन से डिवाइड करता है एक्स माइनस के से तो उसका रिमाइंडर पी ऑफ क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पी ऑफ माइनस ए है वो ए के इक्वल है और जो पी ऑफ ए है वो माइनस ए के इक्वल है इस एक्सप्रेशन से। यहाँ से अपन ने देख लिया, अब पी ऑफ एक्स है उसको ऐसे लिख सकता है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब उसको इससे डिवाइड किया जाएगा, ये मान लो कुछ क्वेश्चन बचा, और मैक्सिमम डिग्री जो लीनियर फंक्शन की हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री जो रिमाइंडर की हो सकती है वो वन हो सकती है, तो उसको जनरल फॉर्म में अपन ए एक्स प्लस बी टाइप का लिख सकता है कोई लीनियर, ओके ऐसे लिख सकता है ना। यहाँ पे अपन ने इसको इससे डिवाइड किया तो उसका कुछ क्वेश्चन बचेगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री वन हो सकती है, मैंने बताया था जब भी किसी एन डिग्री को एन डिग्री से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री एम वो एम माइनस वन होगी, तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम डिग्री का जनरल मान के चलता है, फिर लास्ट में देखेंगे क्या आता है। यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू निकालता है, पी ऑफ ए यहाँ पे पुट करेंगे ए ए प्लस बी, और पी ऑफ ए की वैल्यू पता है अपन को कितनी है माइनस है, तो ए ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, और यहाँ पर फिर पी ऑफ माइनस ए यहाँ पे एक्स की जगह माइनस ए पुट करता है ये फिर भी जीरो हो जाएगा, और उधर पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू यहाँ से ए आ रही है तो ए, और इधर एक्स की जगह माइनस ए पुट कर देंगे तो माइनस ऑफ ए ए प्लस बी, इन दोनों इक्वेशन को एड कर देता है, इन दोनों इक्वेशन को एड कर देंगे तो आ जाएगा टू बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे b की वैल्यू जीरो आ जाएगी और a की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, तो जो अपना जो पॉलिनोमियल है उसका जो उसको जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड किया था तो अपन ने रिमाइंडर माना था ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर b की वैल्यू अपने पास जीरो आ गई और a की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो जो रिमाइंडर वो अपना माइनस एक्स हो जाएगा, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, फिर आगे चलता है, आगे देखते हैं फैक्टर थ्योरम। तो जो फैक्टर थ्योरम है वो स्पेशल केस है इसका रिमाइंडर थ्योरम का। तो रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने क्या पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स को जब को ऐसे लिख सकते हैं जब उसको एक्स माइनस के से डिवाइड किया जाए प्लस उसका कुछ क्वेश्चन प्लस कुछ रिमाइंडर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स की जगह अपन के डाल देता है तो यहाँ पे एफ ऑफ के इज इक्वल टू आर आ जाता है, तो आर की जगह ये लिख सकता है एक्स माइनस के क्यू ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ के, और यदि ये रिमाइंडर की वैल्यू जीरो हो जाए तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है एक्स माइनस के, यानी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ये आ रही है, और इसको शुरू में अपन ने एक्स माइनस के से डिवाइड किया था तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि यदि एफ ऑफ जब उसको एक्स माइनस के से डिवाइड करता तो रिमाइंडर एफ ऑफ के बचता है, तो यदि एफ ऑफ के की वैल्यू अगर जीरो हो जाए यानी रिमाइंडर की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो क्या होगा, जो x माइनस k होगा वो उसका फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का,
एक यहाँ से अपन ये प्रूफ करना चाहते हैं, तो इसके बारे में और देखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको ऐसे लिख सकता है एक्स माइनस के क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर, और मैंने बोला रिमाइंडर की वैल्यू एफ ऑफ के होती है, और मैंने बोला एफ ऑफ के की वैल्यू यदि जीरो हो जाए तो ये जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी, यानी एफ ऑफ एक्स का जो एक फैक्टर होगा वो एक्स इज इक्वल टू के हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स माइनस के से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वहां पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो कभी आपको ऐसे बोला हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का जो एक रूट है एक्स इज इक्वल टू के, रूट क्या होता है जब इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू के रख दोगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी इसका रूट हो जाएगा ये। तो आपको अभी बोला हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक रूट एक्स इज इक्वल टू के है, तो आपको क्या सोचना है जो एफ ऑफ एक्स का जो एक फैक्टर है वो एक्स एक्स इज इक्वल टू के हो जाएगा, यानी एक्स माइनस के उसका एक फैक्टर हो जाएगा। ये आपको सोचना है कि यदि कभी आपको बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक रूट है एक्स इज इक्वल टू के, तो आपको क्या सोचना है कि एफ ऑफ एक्स का एक जो फैक्टर है वो एक्स माइनस के है, तो इसके में जब के रख देंगे एक्स की जगह तो एफ ऑफ के की वैल्यू जीरो हो जाएगी और वो रिमाइंडर जीरो। तो ये सारी चीजों को लिंक करना है आपको, तो मैंने अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे अपन को प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है वो फैक्टर है किसका, इसका। इसके फैक्टर होने का क्या मतलब है कि ये मतलब इस जब अपन इस चीज में इसको डिवाइड करेंगे तो वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और अपन इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये जो अपने पास ये दे रखा है ना, ये इसका फैक्टर है, उसका क्या मतलब हुआ कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एंड सब क्वोशेंट के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर तो जीरो आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो कंप्लीटली डिविजिबल है। अब यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है इसके दो फैक्टर कर लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ऑफ टू एक्स माइनस सिक्स, तो एक्स एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ टू एक्स प्लस थ्री, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे दो फैक्टर हो गए एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस थ्री। तो नेक्स्ट फेज पे चलता है, तो अपना जो पॉलिनोमियल था वो ये था टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस वन, और यहाँ पे अपने जो फैक्टर आए थे वो एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू और क्यू ऑफ एक्स आए थे। अपन को ए और बी की वैल्यू पता लगानी है, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट कर दो तो इधर वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ से क्या आएगा टू टाइम्स ऑफ 81 माइनस 27 माइनस 9 टाइम्स ऑफ ए और माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी और प्लस ए प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन अपनी ये आएगी, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 134 माइनस ऑफ 8a माइनस ऑफ 2b इज इक्वल टू जीरो, या ऐसे भी लिख सकता है 4a प्लस b इज इक्वल टू 67, ये इसको सॉल्व करने पर आ रहा है। और जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो भी ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो अपने को दो इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे पुट करोगे 2 तो 2 16 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 13, ये दो इक्वेशन आ गई, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ए की वैल्यू आएगी 16 और बी की वैल्यू आएगी 3, इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो इस तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया, तो अपन को क्वाड्रेटिक उसका फैक्टर दे रखा था, तो अपन ने क्वाड्रेटिक को पहले दो लीनियर फंक्शन में डिवाइड किया, यानी उसको जो दो लीनियर फैक्टर कर लिए, और उसके बाद वो जो दो लीनियर फैक्टर है जैसे यहाँ पर ये जो दो लीनियर फैक्टर कर लिया, अब इसमें जो एक्स की वैल्यू तो अपने पास माइनस थ्री आई और एक्स की वैल्यू टू आई, तो इन दो एक्स की वैल्यू के लिए लीनियर फैक्टर कर लिया, उसका क्या मतलब है इन दो एक्स की वैल्यू के लिए, सॉरी इसके लिए इन दो एक्स की वैल्यू के लिए ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो जीरो होगी, यानी ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस क्वाड्रेटिक से डिविजिबल होने का क्या मतलब है, इसके जो हर फैक्टर से ही कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये मतलब एक्स प्लस थ्री से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, एक्स माइनस टू से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा ये। तो कंप्लीटली डिविजिबल का क्या मतलब है, जब भी तुम एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट करोगे तब भी जीरो आएगा, जब भी एक्स की वैल्यू तुम टू पुट करोगे तब भी जीरो आएगा। तो ये फैक्टर थ्योरम है, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगी। और प्रॉब्लम लेता है, तो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है ए प्लस टू बी है, इसका किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है। यहाँ पे ये ए कैपिटल है और ये बी कैपिटल है, तो ए यहाँ पे भी, तो ए प्लस टू बी क्या दे रखा है अपन को, इसका फैक्टर दे रखा है, तो अपन को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो ए के इसमें ए के फॉर्म में है, ए मान के करता है, तो मान लो ये एफ ऑफ ए है और अपने जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है,
और अपन को बोला है जो ए प्लस टू बी है, मान लो जब अपने पास एफ ऑफ एक्स में जो इक्वेशन होती है जिसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, तो अपन क्या करता है, तो अपन जैसे वैसे यहाँ पे एफ ऑफ ए में अपन इक्वेशन मान रहे हैं और ए प्लस टू भी अपन को इसको फैक्टर दे रखा है, यहाँ पे अपन को क्या दे रखा होता है कि इसके दो फैक्टर करता है अपन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो अपने पास ये आता है यहाँ पे, मतलब इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, तो यहाँ पे ये मान लो यहाँ सब सही आ जाएगा, तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री इसके फैक्टर, यहाँ पे अपन को एफ ऑफ एक्स में इक्वेशन दे रखी होती है और उसके फैक्टर ऐसे दे रखे होता है, समझ रहे हो ना, वैसे ही अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपन मान लेते हैं एफ ऑफ ए में अपन को ऐसे इक्वेशन दे रखी है और उसका फैक्टर ये है, तो जो यहाँ पे अपन फिर एक्स की वैल्यू टू रख के देखते हैं तो इसमें जीरो आना चाहिए, तो आ रहा है एक्स की वैल्यू टू रख के देख के, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रख के देखते हैं तो भी जीरो आना चाहिए, तो उससे भी जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे अपन ए की वैल्यू माइनस टू भी रख के देखेंगे तो यहाँ पे भी जीरो आना चाहिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे अपन करने वाला है, तो उसी तरीके से करता है, तो यहाँ पे ए की जगह माइनस टू बी की पावर फोर प्लस 32 बी की पावर फोर, ए की जगह माइनस टू बी का होल क्यूब बी एन के प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये अपन ने कर लिया। जब इसको तुम थोड़ा सॉल्व करोगे, जैसे यहाँ पे 16 और ये 32 48 बी की पावर फोर आएगा, यहाँ पे माइनस का एट आएगा, माइनस का एट टाइम्स बी की पावर फोर और यहाँ से के प्लस थ्री आएगा और इसकी वैल्यू जीरो है, यहाँ से एट बी की पावर फोर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा सिक्स माइनस के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे कितना बचा ये थ्री माइनस के और एट टाइम्स बी की पावर फोर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने बोला था ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो सिंपली इसके जीरो होने के लिए के की वैल्यू थ्री होनी पड़ेगी, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अपने पास इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर आगे देखते हैं, तो अपन को बोल रखा है सी और डी इस इक्वेशन के रूट है एक्स माइनस से मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू जीरो, तो अपन को प्रूव करना है सी और डी और क्या ए और बी जो है इस इक्वेशन के रूट होंगे, तो फैक्टर थ्योरम से इसको करने की कोशिश करो, तो मैंने बोला था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं, तो यहाँ पे सी और डी रूट है, तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके दो रूट दे रखे हैं, तो उसको उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता है, और यहाँ पे आगे कोई कोफिशियंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्स के एक्स का जो कोफिशियंट आएगा वो वन आएगा, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो वन आएगा, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट वन आ रहा है, मतलब ये राइट अपन यही होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे मतलब कुछ ए फैक्टर नहीं आएगा, मतलब अपन लिखते हैं ना जनरली ऐसे लिखता है एट टाइम्स एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, तो ए को कैसे अपन यहाँ पे कंपेयर करेंगे इधर साइड, तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो वन आ रहा है, तो यहाँ पर मतलब ए की वैल्यू अपन को वन रखनी है, तो ये अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से, तो कहने का मतलब ये था। अब अपन को पूछा, अपन को बोला है कि अपन को प्रूफ करना है ए और बी इसके रूट है, तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी, इस के को इधर ले जाता है प्लस के इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके दो फैक्टर ये है, और मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर हो सकता है, और ये उस तो मतलब ये इस इक्वेशन के रूट हो गया, अपन ने प्रूफ कर दिया ऐसे, मतलब अपन ने क्या किया के को उधर ले जाके अपन ने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया इक्वेशन को और अपने पास ये आंसर आ गया, तो यहाँ से अपन ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, तो फैक्टर थ्योरम का ये है कि इस तरीके से मतलब फैक्टर करके आपको फैक्टर का जो मतलब कैसे करता है और उसको कैसे यूज करना है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे अपन लिखता है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स है, तो इसको अपन ऐसे नहीं लिखते क्या कि यहाँ पर जो एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू ऐसे करके लिखते हैं ना, वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ऐसे करके लिखते हैं, फिर यहाँ पे इसके रूट माइनस थ्री और टू आता है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो वैसे ही सारी चीजें वैसे ही कर रही है चल रही है, तो वो तुम ध्यान रखना उसका। तो जो अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है, आपको एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है और पी ऑफ एक्स बोला है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें पी ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस वन दे रखी है, और जो पी ऑफ एक्स के रूट है जो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट आएंगे उसके स्क्वायर है, स्क्वायर है किसके रूट के, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो से, और आपके पी ऑफ फोर की वैल्यू पूछी है, तो इसको सोल्व करने का ट्राई करो फिर इसका सोल्यूशन देखता है। तो यहाँ पर अपन को एफ ऑफ एक्स ऐसे दे रखा है एक्स क्यूब एक्स प्लस वन, तो ये क्यूबिक है तो मैक्सिमम इसके थ्री रूट होंगे, एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट है वो बना, तो अपन डायरेक्ट इसके रूट को ऐसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टर के फॉर्म में मान लो अल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो अपन इसको ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों चीजें बराबर होगी। उसके बाद जो पी ऑफ एक्स है उसको अभी 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 क्यूबिक पॉलिनोमियल माना है, तो उसको उसके तीन रूट है जो कि इसके जो रूट अल्फा बीटा गामा उसके स्क्वायर है, तो इसको भी इसके रूट के फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अभी अपन को पता नहीं जो एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या होगा, तो अपन ने के मान लिया, मान लो के है, तो अभी अभी अपन को क्या पता पी ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस वन है, तो एक्स की वैल्यू पी ऑफ जीरो की वैल्यू
माइनस वन एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो माइनस के टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू वन है। तो यहाँ से अब पी ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो बना रही है, और यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बना रही है। यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन आ रही है, यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस के माइनस वन को होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन आएगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू अपने पास माइनस वन आ गई, तो यहाँ पे अपने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पे अपने पास जो पी ऑफ एक्स है वो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस गामा स्क्वायर, और अपन को पी ऑफ फोर की वैल्यू पूछी है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो अपन के पास जो पी ऑफ एक्स था वो ये आ गया था एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स माइनस गामा स्क्वायर, और अपन को पी ऑफ फोर की वैल्यू पूछी थी। तो एक्स की जगह फोर पुट कर देता है, सॉरी यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो अपने पास ऐसे दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, और फिर अपन ने इसको ऐसे लिखा था एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। तो ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता है फिर इसको निकालने के लिए टू प्लस अल्फा टू प्लस बीटा और टू प्लस गामा, और यहाँ पे टू माइनस अल्फा टू माइनस बीटा टू माइनस गामा, ये चीज। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम टू पुट कर दोगे तो सेम यही एक्सप्रेशन बन रही है जो कि एफ ऑफ टू है, और ये एक्सप्रेशन जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस टू टाइम्स माइनस अल्फा माइनस टू टाइम्स माइनस बीटा माइनस टू टाइम्स माइनस गामा। तो यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लोगे तो यही बनेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस टू, ये चीज जो दे रखी है वो क्या है, ये इस चीज की वैल्यू माइनस एफ ऑफ माइनस टू आई, और इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टू है ये, और यहाँ से टू की एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से टू की वैल्यू निकालोगे तो एट प्लस टू प्लस वन कितना आ रहा है इलेवन, और एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस एट माइनस टू प्लस वन माइनस का नाइन, तो यहाँ पे इलेवन मल्टीप्लाई बाय माइनस नाइन और उसके आगे माइनस लग रहा है तो 99 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता है, तो कितना अच्छा प्रॉब्लम। तो फिर नेक्स्ट लेता है, तो यहाँ पे अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि अपन को दिया है एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशियंट इंटीजर है, इंटीग्रल कोफिशियंट है, तो एक पॉलिनोमियल मान लो क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जहाँ ये जो कोफिशियंट है ए बी सी वो इंटीजर है ऐसे बोल रहा है इंटीग्रल कोफिशियंट, और ऐसे बोल रखा है एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू है ना उसकी वैल्यू ओड है, दोनों ही ओड इंटीजर है अपन को ऐसे बोल रखा है। तो अपन को प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के कभी इंटीग्रल रूट नहीं हो सकते, यानी कभी भी कोई भी इंटीजर इसका रूट नहीं हो सकता। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लो इसका जो रूट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का एक इंटीग्रल रूट के है, तो अपन एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता है, उसका एक लीनियर रूट है, तो रूट है तो मतलब कोई रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, और एक जी ऑफ एक्स दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो बचेगा, तो वो यहाँ पे लिख लेता है। तो अपन ने लिख लिया, उसके बाद इसके जो कोफिशियंट वो इंटीग्रल है, इसके कोफिशियंट इंटीग्रल है, तो मान लो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसके जो सारे कोफिशियंट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर होता है एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो मान लो आपने बोला कि एक्स प्लस थ्री इसका फैक्टर है, तो अपन को पता है यहाँ पे आपको, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस मतलब माइनस थ्री इसका रूट है तो एक्स प्लस थ्री इसका एक फैक्टर होगा, वैसे तो यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स है उसके जो कोफिशियंट है वो भी इंटीग्रल ही होंगे, यहाँ पे इसके जो कोफिशियंट है ये भी एक इंटीग्रल होंगे, तो तभी जाके एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल आएगा। फिर नेक्स्ट पेज लेते हैं एक बार। तो मैं क्या बोल रहा था, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना एक्स माइनस के मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, और मैं बोल रहा था ये अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर, इसके कोफिशियंट भी इंटीग्रल ही होंगे, और अपन को दे रखा था एफ ऑफ वन वन और एफ ऑफ टू ओड है, तो यहाँ पे एफ ऑफ वन की वैल्यू निकाल के देखता है वो आ जाएगी वन माइनस के मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ वन, और एफ ऑफ टू की वैल्यू आ जाएगी टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ टू। अब यहाँ पे एफ ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टू करता है तो यहाँ पे क्या आएगा, वन माइनस के टू माइनस के जी ऑफ वन जी ऑफ टू। तो जी ऑफ एक्स के कोफिशियंट भी इंटीजर है, ये जी ऑफ वन और जी ऑफ टू की वैल्यू भी इंटीजर आएगी, ये अपन को पहले से ही इंटीजर दे रखा है, ये वन माइनस के एंड टू माइनस के, और के भी एक इंटीजर ही दे रखा है क्योंकि शुरू में दे रखा था कि अपन ने उसका माना था कि एक्स इज इक्वल टू के एक इंटीजर रूट है इसका, जबकि अपन को ये प्रूफ करना है कि इसका कोई इंटीजर रूट नहीं है, तो अपन ने माना था, तो सारी चीजें इंटीजर है। तो और इधर देखते कि ओड मल्टीप्लाई बाय ओड, ये दोनों ओड दे रखे थे तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी ओड आएगा, लेकिन जो ये क्वांटिटी है ये मल्टीप्लिकेशन वो इवन आएगा, जैसे वन माइनस के मान लो तुमने ओड माना
तो ये टू माइनस के का क्या है, वन माइनस के में तुमने वन ऐड किया, तो मतलब टू में वन ऐड करो तो थ्री आता है, तो थ्री मान लो तुमने, तो मतलब ओड के बाद इवन आता है ना, ओड में जैसे ये ओड है तो इसका जो अगला नंबर आएगा वो इवन होगा, और ओड मल्टीप्लाई बाय ओड तो ओड ही होता है, लेकिन जो ओड मल्टीप्लाई बाय इवन होता है वो इवन होता है, मतलब जैसे टू मल्टीप्लाई बाय थ्री यानी इवन मल्टीप्लाई बाय ओड सिक्स आ रहा है ना, इवन है, तो वैसे ही ये जो मान लो ये ओड है तो ये इसका अगला वाला इवन होगा, तो ओड और इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन होगा। अगर एक भी इस इन चारों में से कोई एक भी इवन हो तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इवन आएगा, तो यहाँ पे ये इवन आ रहा है और ये ओड आ रहा है, तो इवन और ओड तो कभी बराबर नहीं हो सकते, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, यहाँ पे अपने पास कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, यहाँ पे अपने पास ये कॉन्ट्रडिक्शन आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स को अपन ने, एफ ऑफ एक्स का जो के था वो इंटीग्रल रूट माना था, जबकि इसका एक्चुअल में कोई इंटीग्रल रूट नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल रूट के लिए जो अपनी कंडीशन दे रही थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इस तरीके से अपन ने इसको प्रूफ कर दिया। फिर आगे देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम है, तो अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि ए और बी अपन को नेचुरल नंबर दे रखा है, और बोल रखा है कि जो ए है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन है, और पी है जो प्राइम नंबर दे रखा है, और अपन को बोला है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी है, इसके टू इंटीग्रल रूट है जो कि डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग इसके इंटीग्रल रूट दे रखे हैं, तो इसके दो अपन को अलग अलग इंटीग्रल रूट दे रखा है, और अपन से पूछा है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू टू पी होगा, आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये दोनों चीजें कभी भी बराबर नहीं होगी, ये अपन को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो अपन को दे रखा है कि ए और बी नेचुरल नंबर है और ए ग्रेटर देन वन है, तो और बोल रखा है इसके दो डिस्टिंक्ट इंटीजर इंटीग्रल रूट है, तो मान लेता है अल्फा और बीटा इसके दो डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस पी को ऐसे लिख सकता है, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ए कोफिशियंट जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आना चाहिए ना, तो उसके लिए ए यहाँ पे आएगा, और ए की वैल्यू अपन को ग्रेटर देन वन दे रखी है। अब अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन को लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टू पी, मान लेता है ये अपन ने इक्वेशन लिया, और इसके कोई इंटीग्रल रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, अगर अपन को कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं मिले तो मतलब ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे किसी इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, और यही अपन को प्रूफ करना है, तो इसको ऐसे लिख सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस पी इज इक्वल टू पी, और इसको क्या लिख सकता है ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू पी, और पी की वैल्यू क्या दे रखी है, प्राइम नंबर दे रखी है, अब यहाँ ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा ये थ्री फैक्टर आ रहे हैं, यानी जब पी को ए से डिवाइड करो तब भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पी को एक्स माइनस ए से डिवाइड करो तब भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, पी को एक्स माइनस बी से डिवाइड करो तब भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन एक प्राइम नंबर के कभी तीन फैक्टर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता, मान लो थ्री है तो थ्री को, थ्री के मैक्सिमम टू ही फैक्टर हो सकता है, या तो वन से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, या थ्री से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा नंबर ऐसा नहीं है जिससे तुम इसको डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो इस तरीके से अपन ये प्रूफ कर सकते हैं। इंटीग्रल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ अल्फा और बीटा सारे इंटीजर्स है, इंटीग्रल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई तीसरा नंबर नहीं होगा जो इस प्राइम नंबर को डिवाइड करे, तो इस तरीके से अपन ने प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन आया ना, ये कभी हो ही नहीं सकता, प्राइम नंबर के कभी तीन फैक्टर हो ही नहीं सकते, प्राइम जैसे थ्री है तो उसको अपन वन मल्टीप्लाई बाय थ्री लिख सकते हैं, जैसे एट है तो उसको क्या लिख सकता है, वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय फोर, इसके तो थ्री फैक्टर हो सकते हैं, वन टू फोर, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर के कभी तीन फैक्टर नहीं हो सकते, तो यही था। तो फिर ये अपन ने इस तरीके से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज टू से रिलेटेड जो सारे कॉन्सेप्ट थे वो भी सीख लिए और एग्जाम्पल भी कर लिए, अब मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.2 दे दूंगा और वो आप सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।